कांग्रेस ने पहला दिल्ली दे विच मैनीफेस्टो जारी किया ते फिर शनिवार नूं राजस्थान ते जयपुर दे विच मैनीफेस्टो लॉन्च रैली की गई जिथे मुड़ सीनियर लीडरशिप ने जनता नूं दित्तियां गरंटियां दा जिक्र किया। इस दौरान कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने बीजेपी ते वड्डा हमला बोलिया। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र का चीर हरण कर रही है, संविधान नूं बदलण की साजिश रची जा रही है ते विरोधी लीडरां नूं डराउण धमकाउण दे भी इल्जाम लगाए। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह की हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो उधर सहारनपुर की चोण रैली तो प्रधानमंत्री ने कांग्रेस से तिखा निशाना साध्या ते कांग्रेस के मैनीफेस्टो की तुलना मुस्लिम लीग दे नाल कर दित्ती ते नाल ही इंडिया गठजोड़ नूं भी निशाने ते लिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। जिक्रयोग है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए मैनीफेस्टो जारी किया है जिसनु न्याय पत्र का नाम दिता गया, जिसके वक्त तबकों के लिए 25 गरंटियां का वादा किया है ते कांग्रेस का यही मैनीफेस्टो हुण बीजेपी के निशाने पर आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 पंजाब। कांग्रेस ने पहला दिल्ली दे विच मैनीफेस्टो जारी किया ते फिर शनिवार नूं राजस्थान ते जयपुर दे विच मैनीफेस्टो लॉन्च रैली की गई जिथे मुड़ सीनियर लीडरशिप ने जनता नूं दित्तियां गरंटियां दा जिक्र किया। इस दौरान कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने बीजेपी ते वड्डा हमला बोलिया। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र का चीर हरण कर रही है, संविधान नूं बदलण की साजिश रची जा रही है ते विरोधी लीडरां नूं डराउण धमकाउण दे भी इल्जाम लगाए। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह की हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो उधर सहारनपुर की चोण रैली तो प्रधानमंत्री ने कांग्रेस से तिखा निशाना साध्या ते कांग्रेस के मैनीफेस्टो की तुलना मुस्लिम लीग दे नाल कर दित्ती ते नाल ही इंडिया गठजोड़ नूं भी निशाने ते लिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। जिक्रयोग है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए मैनीफेस्टो जारी किया है जिसनु न्याय पत्र का नाम दिता गया, जिसके वक्त तबकों के लिए 25 गरंटियां का वादा किया ते कांग्रेस का यही मैनीफेस्टो हुण बीजेपी के निशाने पर आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 पंजाब।